हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको इस घर में पड़े क्लिपबोर्ड से, ये देखिए ये हमारा पुराना क्लिपबोर्ड है, यदि आपके घर में ही बच्चे हैं तो ऐसा ज़रूर होगा। तो ये मेरे पास बेकार पड़ा था, तो मैं इसे आज कुछ रीयूज़ करूँगी इसका, तो मैं इस पर पेंट कर दूँगी। तो आप इस पर कोई भी पेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पर इस तरह से सारे में पेंट कर दूँगी अच्छे से। और इसे सूखने के बाद इस पर एक बार और कोट कर दूँगी, जिससे नीचे का जो इसमें पेपर लगा हुआ था वो फटा हुआ वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो इसे हम अब सूखने रख देते हैं। तो आगे पीछे हमने दोनों तरफ इस पर पेंट कर दिया है। आप चाहे तो इस पर एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। ये मेरे पास दरवाजे वगैरह पे जो पेंट करते हैं वो पड़ा हुआ था। और उसके बाद हम ये बोतल लेंगे और इसका हम ऊपर का ये कागज़ हटा देंगे और उसे इस तरह से कट कर देंगे। तो हमने इसे कट कर दिया है और यहाँ से हम इसे अच्छे से इक्वल कर लेंगे, जो ये ऊंचा नीचा हो रहा है थोड़ा सा कटिंग में। तो ये हमारा गोल हो गया है। इसी तरह से हमने ये तीन बोतलों को कट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर ये सेलो टेप लेंगे और इस टेप को यहाँ पर चिपका देंगे इसके राउंड राउंड में। हम इसमें दो टेप चिपकाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। और एक्स्ट्रा टेप को हम कट कर देंगे और अब हम एक बार यहाँ पर टेप चिपकाएंगे इस जगह, और इसे भी पूरे राउंड में इसके ऊपर चिपका देंगे और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो हमारे इस पे टेप चिपक चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम इस पे पेंट करेंगे। तो ये भी मेरे पास पेंट था, तो इसे भी मैं इस पे कर दूंगी पूरे पे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी पेंट ले सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये घर में पड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे घर में वाइट वॉश कलर हुआ था, तो ये उसके बचे हुए पेंट थे जो खिड़की दरवाजों में हुए थे, तो उनका ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इस पर अच्छे से इसे पेंट कर दूँगी। और ये मैंने दूसरी वाली बोतल ली है, इसमें मैं इस तरह से लंबाई में टेप को चिपका दूँगी। तो इसमें जो निशान लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, इसमें एक लाइन को छोड़ के हमें दूसरी लाइन पर इस तरह से टेप को यहाँ से यहाँ तक चिपका देना है। आप चाहे तो टेप ना चिपकाए, अपनी पसंद से कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इस तरीके से इस पर टेप लगा दूंगी। तो मैंने इसमें टेप लगा दी है एक लाइन को छोड़ के एक में, और इसमें भी मैं ग्रीन ही कलर करूंगी, सेम कलर। और इस कलर को हम सूखने देंगे, क्योंकि ये हमारा पेंट है तो ये जल्दी से नहीं सूखेगा, थोड़ा इसमें सूखने में टाइम लगेगा। तो हम सबको ऐसे ही कलर करके रख देंगे, दो हम एक जैसी बनाएंगे और एक हमने अलग बनाई है। तो हमारी ये भी पेंट सूख गया, आप देख सकते हैं, और ये भी हमारा सूख गया है। तो हम इसको इस तरह से टेप को इसमें से निकाल देंगे और अब हम इसमें वाइट कलर करेंगे। ये भी हमारे पास एक्रेलिक कलर है वाइट, और इसमें दोनों लाइनों में जहाँ से हमने टेप निकाली है उसमें हम ये एक्रेलिक कलर कर लेंगे इस तरह से। और इसे भी हम सूखने देंगे। इसके बाद हम दूसरी वाली बोतल में से भी, इसमें से भी हम टेप को रिमूव कर देंगे इस तरह से, हटा देंगे। और इसमें भी हम वाइट कलर कर लेंगे। तो इसमें भी हमें एक्रेलिक कलर कर लेना है इस तरह से। हमें जहाँ जहाँ टेप थी उसी उतने हिस्से में ही हमें वाइट कलर करना होगा। ये डिजाइन आसान और इजी है। तो ये देखिए हमने तीनों में पेंट कर लिया अच्छे से। और अभी हमारे पास 3D कोन है, ये हमने घर में ही बनाई थी होममेड कोन। और इसमें हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे।
आप चाहे तो स्टेशनरी शॉप से जो 3D कोन मिलती है उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस 3D कोन में फेविकोल और पाउडर का यूज़ किया है और फिर उसमें हमने एक्रेलिक कलर को मिला दिया था और फिर कीप बना के उसके अंदर हमने इसका पेस्ट डाल दिया था, तो हमारी 3D कोन इस तरह से बन के रेडी हो गई थी। और ये देखिए, ये डिज़ाइन भी हमने इस पर बना दिया है और हम यहाँ पर भी इस तरह से ही डिज़ाइन बना देंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने ये ऊपर वाला रेडी कर दिया है। उसके बाद हम ये लेस लेंगे। ये हमारे पास सूट की बची हुई लेस थी जिसका मैं यूज़ इसमें करूँगी। इसमें ऊपर की तरफ मैं फेविकोल लगा दूँगी और इस लेस को इसके ऊपर चिपका दूँगी। तो तीनों में ही हमें इस तरीके से इस टेप को चिपका देना है। आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी बची हुई लेस या कपड़ा होता है उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने लेस लगा दी है। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास 3D कोन है मार्केट वाली और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से इस जो इसमें डॉट बने हुए हैं उनके ऊपर इस तरह से ये कलर कर दूँगी। तो हमने इन दोनों में कर दिया है, तो ये रेडी हो गए हमारे। और इसमें मैं यहाँ पर रेड कलर करूँगी इस तरह से, और एक बार मैं इसके बीच में भी एक लाइन बना के डॉट लगा दिया है। और उसके बाद ये देखिए, हमारा ये क्लिपबोर्ड सूख गया है। उसमें मैं इस तरह से फेविकोल लगाऊंगी और इसमें भी मैं लेस का ही यूज़ करूंगी, क्योंकि जो भी लेस मेरे पास बचती है उसका मैं किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो इसे मैं अंदर की तरफ इस तरफ से फोल्ड कर लूँगी। तो हमें ये क्लिप जो है ये उल्टी तरफ रखनी होगी इसकी, और हमें उल्टी तरफ से ही इस पे लेस वगैरह लगानी होगी। तो मैं इस पे पूरे पे इस तरह से लेस को लगा दूंगी। तो हमने चारों कॉर्नर में इस लेस को लगा लेना है। और अब ये देखिए, ये मेरे पास खाली रील का ढक्कन है, इससे मैं एक्रेलिक कलर में इस तरह से डिप करके, पूरा डिप नहीं करना हमें, आगे से हल्का सा ऐसे डिप करके इस तरह से इस खाली रील की सैशे से ये जो रोल है हमारे पास इससे हम, आप चाहे तो ब्रश से भी आगे से इस पे लगा के इस तरह से सारे में ये सर्कल बना सकते हैं। तो मैंने इस खाली रील से ये देखिए, ये कितना प्यारा पैटर्न बना लिया है वाइट कलर से। और उसके बाद मैं 3D कोन लूँगी और उसके सेंटर में इस तरह से डॉट डॉट लगा दूँगी इस तरह से। तो मैंने इसमें डॉट लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर इनको इस तरह से चिपका दूँगी। तो इसके लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी, इस तरह से इस पर अच्छे से चिपका दूँगी मैं यहाँ पर। दो मैं नीचे लगाऊंगी और एक मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी। और इन्हें अच्छे से चिपका देना है। तो ये देखिए, ये हमारा कितना प्यारा बन गया है। और अब मैं इसमें ये जो मेरे पास लैस है इसे मैं पीछे की साइड इसमें बांध लूंगी इस तरह से, और जो इसकी गांठ है उसे अंदर की तरफ कर लूँगी जो ऊपर से दिखाई ना दे। और इस तरह से आप इसे कहीं भी दीवार पे हैंग कर सकते हैं और इसमें अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, ये मैंने डिटोल की खाली शीशी ली है, इस पर मैं इस तरह से ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मुझे फ्रंट की तरफ बनाना है, बाकी चारों तरफ से मुझे गोल रख के इसकी कटिंग कर देनी है इसके ऊपर ऊपर निशान के, जिससे मैं इसे कहीं भी हैंग कर सकती हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी और बीच में से भी मैं इसकी यहाँ से भी इसको कट कर दूँगी। इसके बाद मैं ये फोम लूँगी जो टॉयज वगैरह में निकलती है, और उसको मैं इस तरह से जैसो लगा लूँगी इस पर। और उसके बाद मैं इसे सूखने दूँगी। और ये देखिए, मैंने ये पुट्टी ली है, इसको मैं इस तरह से पाउडर लगा के जिससे ये चिपके ना, और इस तरह से पैन से मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है और इस तरह से इसमें
कटिंग कर दूंगी। आप नाइफ से भी इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कट कर सकते हैं। और ये भी मेरा सूख गया है जैसो। और अब मैं फेविकोल लगाऊंगी और इसके ऊपर जगह जगह इसको चिपका दूंगी इस तरह से। आप चाहे तो इसमें पुट्टी से कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसी तरह से इसे चिपका दूंगी। मैं फ्रंट की तरफ लगाऊंगी इसे, बैक की तरफ नहीं लगाऊंगी, और पूरे में यही डिज़ाइन बना दूंगी। और इसे भी हम सूखने देंगे। और जब ये पूरे में लग जाएगा, ये देखिए पूरा लग चुका है, और अब हम इसे इस तरह से ब्रश से इसमें इस तरह से रफ कर देंगे इसको। और उसके बाद इसमें पूरे में ब्लैक कलर कर देंगे। तो मैं पूरे में ब्लैक कलर कर दूंगी, आगे और पीछे से भी। तो ये भी मेरे पास एक्रेलिक कलर है। और ये मैं पूरे में इस तरह से कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर गोल्डन कलर करूंगी इस तरह से। जहाँ जहाँ हमने ये डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर ही हमें गोल्डन कलर करना है। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा पेन होल्डर बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें फ्लावर या अपने टूथपेस्ट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास बॉक्स था थर्माकोल का खाली, ये भी बेकार और पुराना पड़ा हुआ था। तो इस पर भी मैं पेंट लगा लूँगी। आप किसी भी पेंट का या एक्रेलिक कलर का इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैं डबल कोट करूंगी, पहले इसको सूखने दूंगी और उसके बाद फिर मैं दूसरा कोट करूंगी। तो ये अच्छे से देखिए कितने अच्छे से सूख गया है। और उसके बाद मैं इसमें फेविकोल लगा दूंगी और इसमें सिल्वर कलर की स्लैश को अटैच कर दूंगी। तो हमें इस तरह से इसे पूरे में लैस को लगा लेना है। और उसके बाद मैं अंदर इसमें ये वाला कलर करूंगी, लाइट ग्रीन, क्योंकि मेरे पास ये लाइट ग्रीन कलर रखा हुआ था। मैं पूरा इसे रेड करना नहीं चाह रही थी, तो मैंने इसलिए अंदर की तरफ अलग कलर किया है। और ये मेरे पास मैरिज का कार्ड है जो बेकार है, तो इसकी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से भी मैं पतली पतली स्ट्रिप कट कर लूँगी और इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो मैंने और भी इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। और इसे मैं यहाँ पर फेविकोल लगा के चिपका दूँगी इस तरह से। और अब ये जो मैंने पतली पतली स्ट्रिप कट की है उसे मैं इस तरह से लगा दूंगी इसमें, जिससे बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। और इसे लगाने के बाद इस पे मैं एक कोट वॉर्निश का कर दूंगी। और यदि आपके पास वॉर्निश नहीं है तो आप फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिला के इस पे ब्रश से लगा सकते हैं। और उसके बाद ही मेरे पास छोटा सा गमला था तो मैंने इसे इसके अंदर लगा लिया है। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, पेन होल्डर या किचन का कोई सामान या फ्लावर, कुछ भी। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।